शांति से स्वागत हो ना, ना हल्ला ना गुल्ला ना कुछ ना। अरे बिना बाहवल बाले कुछ ना लौकी जवानी केतनो चौकी पछौ के अभी मजा आया। अभी मजा पहले हम सभी दर्शक के भैया चाचा माई बहन भौजाई आप सब के ऊपर हम गुंजन सिंह पैसों के प्रणाम करतनी गोड़ लगातनी। आज हमारा के धरती पे बानी, बहुत अच्छा लग रहा बा हमारे साथ पप्पू दुबे जी, दिनेश यादव जी, आलम दिलसाद पूरे जितने भी हमारे भाई लोग हैं, नितेश, सारे लोग जितने भी भाई चाहने वाले हैं सभी लोग को नमस्कार भैया। और बहुत अच्छा लग रहा है, एक अच्छा पिक्चर लेकर हम लोग आए हैं जिसका नाम है खुददार, अभी मोहन सिनेमा में है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत आशीर्वाद दर्शकों का मिल रहा है, जो जैसे मेरे गाने को मिलता रहा है वैसा आशीर्वाद फिल्म में भी मिल रहा है पूरे बिहार से झारखंड से, तो बहुत खुश है। फिल्म में खास क्या? फिल्म में खास ये है भैया कि फिल्म दो परिवार को जोड़ने का काम किया। आज भाई भाई एक साथ नहीं है, माँ को माँ का दर्जा नहीं मिल रहा है, सास को सास का नहीं, ससुर को ससुर का नहीं, कोई सम्मान नहीं मिल रहा है। उस सम्मान को इसमें एक हीरो जो हम हैं पूरा कैसे किसको सब परिवार को एक करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, सबके दिलों में निवास करते हैं और माँ को माँ का दर्जा दिलाते हैं सब, इस तरह से इसमें बहुत अच्छी कहानी, एक्शन भी है और गंदगी नहीं है इस पिक्चर में। परिवार के साथ लोग बैठ के देख सकते हैं ऐसा हम कहते हैं, बाकी पब्लिक लोग भी ऐसे मन कि फिल्म मनाया जाए। फिल्म भैया बिहार के वो परंपरा में जो गायक हिट वॉकर फिल्म पब्लिक लोग सब गावत रहे, हमने स्टेज पर गावत रहे गाना तो सबके वो कहत रहे भैया कि अब फिल्मों में आवे के चाहिए, आवे के चाहिए, तो बस पब्लिक हमारे भगवान हैं, बस वो लोग बोले कि आपको ये करना है तो बस उनका आदेश का पालन कर रहे हैं और बढ़िया बढ़िया पिक्चर लेकर आ रहे हैं। इसके बाद नसीब फिल्म आ रही है बहुत जल्द, उसके बाद 9mm पिस्टल, ड्रामेबाज, बहुत सारी पिक्चर बनी है, बहुत सारी साइन किया हुआ है जो भी बनने वाले हैं, बस सबों का प्यार आशीर्वाद दुलार ऐसे मिलता रहे। आपने कहा कि पारिवारिक फिल्म है ये, पारिवारिक फिल्म बहुत सारी बन रही है, भोजपुरी हो या बॉलीवुड या कहीं की भी जी, आपके इस पारिवारिक फिल्म में सबसे हम क्या है कि दर्शक उसे देखने को मजबूर हो जाए? इसमें हम हमारे डायरेक्टर साहब बताएंगे, डायरेक्टर साहब भी बताएंगे, पहले सर आप ही बता लीजिए इसको। इस पिक्चर में खास करके पारिवारिक की जो बात कह रहे हैं कि हाँ बन रही है हिंदी में या भोजपुरी में, तो इस पिक्चर में सामाजिक है ये कि वही फैमिलियर ड्रामा है, इसमें गंदगी नहीं, ऐसा कुछ अलग से नहीं है, जो है जो एक घट रहा है घटना जो सभी फैमिली में ऐसा होता है, जो गांव में घर में परिवार में ऐसा होता है, सब उसी से रिलेटेड है, तो देखेंगे लोग, दर्शक लोग देखेंगे तो अपने बता रहे हैं सबके ऐसा है वैसा है, सबों का प्यार मिल रहा है। भोजपुर के दर्शकों से या जनता से क्या अपील करेंगे अपनी फिल्म को लेकर, क्योंकि आप यही कह रहे हैं? यही कहा भैया कि सब आशीर्वाद दी जाए हमारा के और पूर्ण प्यार दुलार जैसे गाने में मेरे दिए हैं वैसे पिक्चर को हिट बनाइए कि हम लोग भी अपना नाम फिल्मों में भी पूरा कमाए, बस आशीर्वाद बनाए रखिए लोग, धन्यवाद। बेशक इस फिल्म की कहानी जो है, चूँकि हम लगातार आते हैं प्रमोशन में, लोगों से मिलते हैं, इससे पहले भी कई बार आए हैं, तो आज लोगों को क्या चाहिए, मतलब परिवार समाज में जो विसंगतियां फैली हैं, एक परिवार में जो समस्याएं हैं, समाज में जो प्रॉब्लम चल रही है, अपने घरों की बातें जो हैं, जैसे हम आप अपने घर में खुद देखें तो कहीं किसी भाई का भाई से नहीं जम रहा है, बेटे और पिता का नहीं जम रहा है, तो उन चीज़ों को एक हम वही चीज़ें सुधारने के लिए कि कैसे एकता में विश्वास ज़्यादा मजबूती है, बिखरने पे नहीं है, तो आज जो बिखराव है समाज में उस बिखराव को दूर करने के लिए एक कहानी बुना गया कि नहीं हम अपने सिनेमा के माध्यम से कुछ ऐसा करें, लोग देखें, प्रेरित हों उससे कि नहीं परिवार को जोड़ने में बहादुरी है, तोड़ने में नहीं है। तो कहानी कहाँ से ये मतलब कि आपके दिमाग में इस तरीके का आया कि भोजपुरी फिल्में में बहुत सी फिल्में बनती हैं, ज़्यादातर गाना होता है, ड्रामा होता है, तो ये औरों से क्या इसमें अलग है?
सर औरों से देखिए हम किसी का वो नहीं कर रहे हैं, औरों की बात नहीं, हम अपने घर में खुद देख रहे हैं कहानी, मैं अपने बगल में देख रहा हूँ, मैं अपने जो मोहल्ले में अपने यार दोस्त के घर सब जगह ये चीज़ें फैली हुई हैं, सबके घरों में ये जो कला है ना ये सबके घरों में है। उस वो उन चीज़ों को कोशिश किया जा रहा है कि कैसे नहीं, वही हम बता रहे हैं कि उन चीज़ों को कैसे ख़त्म किया जाए। आखिर क्या तकलीफ है, आज छोटी सी बात को लेकर नाराज होते हैं, अपना बोरिया बस्तर देख रहे हैं, हम जा रहे हैं घर छोड़ के। आपने फिल्म का निर्देशन किया है? हाँ जी, मैं डायरेक्टर हूँ। तो कितने लोगों का सहयोग रहा, कैसा रहा आपका फिल्म का एक्सपीरियंस? लगातार ये मेरी 9वीं फिल्म है भोजपुरी में, और मेरी अपनी टीम है, और लगातार मेरा टीम तकरीबन हमारा 100-125 की टीम होती है हमारा, जब एक फिल्म बनाते हैं तो ये एक सिनेमा बनता है एक टीम से, चाहे शुरुआत होता है राइटर से लेके डायरेक्टर से लेके, यानी पूरा जब तक टीम साथ नहीं देगी तब तक कुछ नहीं होता। सर इनसे पहले आपने कौन कौन सी फिल्म बनाई है? इसके पहले मैंने, मेरी फिल्म थी पहले धड़केला तोरे नावे करजवा, जिसमें पहली बार कलुआ को एक हीरो के रूप में हम लाए थे, और रानी चटर्जी थी इसमें, विजय वर्मा था, प्रेम दीवानी राकेश मिश्रा को यहीं के रहने वाले आपके आरा के हमने ही लॉन्च किया था उनको प्रेम दीवानी में, पहला फिल्म मेरा ही था, तो आज वो भी हीरो है इंडस्ट्री में भोजपुरी में अच्छे। और प्रेम दीवानी के बाद हमने कसम वर्दी किया था, कसम वर्दी उसके बाद पवन सिंह को लेके, आपके यारा के ही हैं पवन सिंह, उनको लेके लेके आजा बैंड बाजा फिल्म बनाई थी, अभी हाल ही में बलमुआ तोरे खातिर भी पवन सिंह को लेके किए थे, और उसके बाद शिवरक्षक मेरी फिल्म आई थी, ऐसी कई फिल्में हैं जो काफ़ी है, खुददार लेके आए हैं, बस सबसे दरख्वास्त है अपने जनता जनार्दन से कि फिल्म देखें, अच्छी फिल्म बनी है और पारिवारिक फिल्म है, परिवार के साथ देख सकते हैं बेहिचक, कोई इसमें उस तरह की चीज़ें नहीं है कि देखने में शर्म आए, तो मेरी यही रिक्वेस्ट है। कलाकार इसमें काम कर रहे हैं जो अभिनेता के तौर पर हैं, तो कितना लोगों पर ये होता है उसका प्रभाव? देखिए रिस्क एक होता है कि जैसे हमारे प्रोड्यूसर हैं दीपक शाह जी, देखिए एक हीरो जब नया आता है तो प्रोड्यूसर एक तरह से वो रिस्क ही लेता है अपने पैसों का, क्योंकि सिनेमा चले नहीं चले एक सबसे बड़ा तो ये कारण होता ही है कि नहीं चला तो डूबना ही डूबना है। लेकिन गुंजन सिंह का जब नाम आया कि गुंजन सिंह को लेकर हम फिल्म बनाते हैं, तो हमने सर्च भी किया गुंजन सिंह के बारे में, इनके हमने पता, जब पता हमें चला कि इनके बहुत फैन फॉलोइंग है बिहार में पूरे हर जगह, आज हम कंटिन्यू 7 दिन से हम प्रमोशन पर निकले हुए हैं, लेकिन हर जगह इनके फैंस बहुत अच्छे हैं और चाहने वाले बहुत अच्छे हैं, इनके गाने की मतलब इनके गाने इतने लोकप्रिय हैं कि लोग दीवाने हैं इनके, बच्चे बच्चे गाना गाते हैं स्पेशली इनके सैड सॉन्ग जो हैं, तो है चीज़ें अच्छी हैं, और नो डाउट उसका फ़ायदा हमें सिनेमा हॉल में मिला, दर्शकों का प्यार मिला, दर्शक देख रहे हैं, सिनेमा बहुत अच्छा जा रहा है, फिल्म का रिपोर्ट बहुत अच्छा है, लोगों ने कहानी के बारे में जब हम पूछते हैं कि निकलने के बाद कि भाई कहानी कैसी लगी, तो सभी ने कहा कि बहुत अच्छी कहानी बनी है, तो बहुत अच्छा लगा दर्शकों को, आप लोग देखिए और ये अपना प्यार दीजिए गुंजन सिंह को, दिनेश यादव को। पब्लिक का इतना आशीर्वाद है, सैड सॉन्ग इसलिए हम ज्यादा गाते भी हैं कि मेरा भाई लोग का दिल बहुत टूटा हुआ है, आदमी सुखे चाहे दुखे में दुए समय याद करता है, इसलिए इसमें इसलिए गाना में गाएं काफी पॉपुलर हुआ है वो गाना। कि तोरा बिना दुनिया बिरान लागे गोरी रे, अजियत शरीरिया बेजान लागे गोरी रे, तोरा बिना दुनिया बिरान लागे गोरी रे, नजारा न तोरता नजरिया का होई रे, भूल गईलू तू ही ता उमिरिया का होई रे, भूल गईलू तू ही ता उमिरिया का होई रे, कि जिंदगी अर थी उमर शमशान लागे गोरी रे, तोरा बिना दुनिया वीरान लागे गोरी रे।